आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा माय मॉर्निंग रूटीन एज अ डॉक्टर इन पाकिस्तान। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त सुबह के 3:46 हो रहे हैं। मैंने इस टाइम पे जिंदगी में कभी व्लॉग नहीं शुरू किया, लेकिन टुडे वी आर गोना डू द मॉर्निंग रूटीन ऑफ अ पाकिस्तानी डॉक्टर। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन सबसे पहले मैंने उठते साथ ये वाली लाइट ऑन की है, विच इज अ वाइट लाइट, क्योंकि आई हर्ड अबाउट दिस इन ए पॉडकास्ट जिसमें उन्होंने कहा था कि उठते साथ अगर आप वाइट लाइट चलाते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इन वेकफुलनेस, और आपकी जो अलर्टनेस होती है दिन की वो बहुत बेहतर होती है एज कम्पेयर टू अगर मैं येलो लाइट चलाता हूँ, जो मैंने अब चला दी है, तो शायद जितना फ़ायदा होना था वो नुकसान में हो जाए। उठते साथ सबसे ज़रूरी और सबसे पहला काम ये है कि मुंह हाथ धोना है, ज़रा फ्रेश होना है। लेट मी डू दैट। ये वॉफल बैठा है इस घर में मुझसे पहले, सबसे पहले वॉफल उठता है सुबह। अच्छा, तो ये सब कुछ करते करते अभी बज रहे हैं 4:10, लेकिन यूजुअली ये है कि उठते उठते हो जाते हैं 4:30, जिसमें ये सारे काम होते हैं। अच्छा, इस सब कुछ के बाद आप सबको पता ही होगा कि मैं इस वक्त कर रहा हूँ हाउस जॉब, और मेरी इस वक्त चल रही है सर्जरी की रोटेशन। तो अगले 30 से 40 मिनट मैं इसलिए रखता हूँ कि मैं प्लानिंग कर लूँ, और हर सुबह हमारे राउंड्स होते हैं। राउंड में ये होता है कि हम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं हम अकंपनी करते हैं कंसल्टेंट्स को, जो हमारे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन जो होते हैं। उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर सुबह 20 से 30 मिनट में अपने केसेस पढ़ूँ और चेक करूँ, जो जो केसेस हमने डिस्कस करने हैं आज उनकी मैं तैयारी करूँ। तो अभी मैं वो करने लगा हूँ। देख सकते हैं तकरीबन 6 बज रहे हैं, हमने जल्दी से कोई नाश्ता वाश्ता बनाना है। मैं सुबह यूजुअली ब्रेकफास्ट में कुछ लाइट सब पसंद करता हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे पूरा दिन चला सके। तो अभी हम बनाने लगे हैं स्ट्रॉबेरी स्मूदी। ये मुझे 4-5 महीने पहले मिले थे, ये फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, और इनसे ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है, इतने मज़े की स्मूदीज बनाता है ये, आपको दिखा। ऐसे लग रहा है कि अस्पताल जाने से पहले ही अस्पताल वाला काम हो गया है। चीयर्स। बहुत मज़े कर। सच्ची बात यह है कि मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, और यही चीज़ अगर मैं बाहर से लेता तो वो लोग चुपचाप करके ना मुझसे 600-700 रुपए मांग लेते, तो दिस इज़ अमेजिंग। तो अब वक्त आ गया अगली चीज़ के लिए। तो 3, 2, 1 और अब वक्त आ गया जिम जाने का। लेट्स गो टू द जिम। मुझे पता है इस वक्त आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग सोच ही रहे हैं कि हमसे अगर तुम हर सुबह इतना जल्दी जिम जाते हो तो नज़र क्यों नहीं आ रहा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं, लेकिन ऐसा ऐसा करके नज़र आ रहा है, ठीक है। सच्ची बात यह है कि जितना भी मेरा मॉर्निंग रूटीन है, जितना भी ये सब कुछ है, मेरे हाउस जॉब के जो पहले 6 महीने थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पूरे MBBS के सफ़र में मैं हमेशा, मुझे जल्दी उठने का बहुत शौक है। मेरे छुट्टी वाले दिन भी आँख जो है वो 9 बजे तक खुली जाती थी, मतलब ऐसे नहीं था कि मैं सोता रह जाऊँ या कोई 12 बजे उठूँ। तो MBBS के बाद जब हाउस जॉब शुरू हुआ तो अचानक से पता नहीं क्या हो गया मुझे कि पहले 6 महीने ऐसे थे कि मैं मर मर के उठ रहा था। छुट्टी वाले दिन मुझे महीने में सिर्फ 2 छुट्टियाँ मिलती थी, लेकिन उनमें मैं सोता ही रहता था। मैं वैसे ही थोड़ा सा दुबला पतला सा था, और मेरे 6 महीनों में 6 kg और वज़न गिर गया। तो वहाँ पे मुझे हुआ कि यार कुछ ना कुछ ज़िंदगी के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो सब कुछ है ये 6 महीने पहले शुरू हुआ था, और अगर आप थोड़े से दिन शिन गिनना शुरू कर दें तो आपने नोटिस किया होगा कि 12 महीने पूरे हो गए। और यही वजह है कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरे हाउस जॉब का आखिरी दिन है, मतलब कि आज के बाद आई विल ऑफिशियली बी पूरा डॉक्टर। मतलब कि मैं, आप में से जो भी बंदा वीडियो देख रहा है, मैं जो मर्जी दवाई लिख के आपको दे सकता हूँ और आपको लेनी पड़ेगी, और मुझे कोई जेल ही भेज सकता है उसके बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, आज मेरे हाउस जॉब का आखिरी दिन, आई एम वेरी एक्साइटेड। इसीलिए आज ये व्लॉग बन रहा है ताकि मैं याद कर सकूं कि यार वो आखिरी दिन था, याद है कितना मजा आया था। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा,
अच्छा तो अब हमने जिम तो कर लिया, अभी अगली जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं वो है सोना। सोना मैं जाता हूँ सिर्फ महीने में दो दफा, ठीक है। लेकिन मैं सोच रही था कि अगर मैं व्लॉग बना रहा तो फिर व्लॉग के अंदर मुझे जाना चाहिए, और मैं इससे पहले कभी भी नहीं सुबह गया, मैं हमेशा रात को जाता हूँ जब भी जाता हूँ। लेकिन मैंने सोचा ये था कि आज हम ये करेंगे और ये व्लॉग पे करेंगे। अब मसला ये है कि उसमें आपको जाना होता है शर्ट के बगैर, और अगर मैंने शर्ट उतार के व्लॉग डाल दिया तो मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे कि मैं बेहूदगी फैला रहा हूँ। तो ये है सोना जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। ये एक कमरा है छोटा सा, यहाँ से गर्म हवा निकलती है। अभी इसके अंदर आप पानी डालते हैं हल्का सा, बहुत ज्यादा गर्म हवा निकलती है और ये पूरा कमरा जो है वो बहुत गर्म हो जाता है। और इसका मकसद ये है कि इससे पसीना आता है आपको, आपके जिस्म में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, गंदगी होती है, वो सारी निकल आती है। और इसके फौरन बाद मजा तब आता है जब आप सीधा सामने जाते हैं और एक कोल्ड शावर होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इनका जो कॉम्बिनेशन है इट्स साइंटिफिकली प्रूवन टू हैव मेनी मेनी हेल्थ बेनिफिट्स, और आपकी जो लॉन्ग और क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे बहुत बेहतर। तो इस वक्त मैं अस्पताल के बाहर आ गया हूँ, लेकिन बहुत लेट हो गया हूँ इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। मैं जरा काम से भाग के जरा पेशेंट्स को देख के उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा तो इस वक्त मैं चल रहा हूँ उन्हीं हॉलवेज में एक आखिरी दफा। मेरा पूरे एक तो ये साल और इससे जो पिछले आखिरी दो साल थे MBBS के, मेरे इन्हीं हॉलवेज में गुजरा है। यहाँ पे मैं रोया भी हूँ, खुश भी हुआ हूँ, रात के 3-3 बजे 4-4 बजे भी गुजरा हुआ हूँ, और इस वक्त मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं एक आखिरी दफा यहाँ से गुजर रहा हूँ। मैं इस वक्त अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ऑलराइट, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक बहुत बड़े से लॉन में हूँ जहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत फूल भी है और एक फाउंटेन भी है जो इस वक्त सूखा हुआ है। लेकिन दिस इज द लॉन ऑफ माई हॉस्पिटल जहाँ पे मेरे 3 साल ऐसे गुजरे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने पूरे रमजान के इफ्तार उस लॉन पे बैठ के किए हैं, मैंने सैरी यहाँ पे बैठ के किए हैं। ठीक है, उस वक्त ये था कि फाउंटेन शाउंटेन चल रहा होता था, पता नहीं क्यों फाउंटेन सुबह के 4 बजे चल रहा होता था लेकिन चलता था, और हम यहाँ बैठ के सैरी करते थे। और इस वक्त मुझे कसम से रोना आ रहा है क्योंकि इस अस्पताल में, इस कॉलेज ने मुझे इतना सिखाया है, इतना प्यार दिया है, आप लोग मुझे इतने मिले इस अस्पताल में कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब जब मैं देखता हूँ इसको तो मैं कहता हूँ कि ये दिन याद आएंगे। जब मैं हाउस जॉब कर रहा था बहुत मुश्किल भी होता था, मैं ये सोचता था कि यार कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। लेकिन अब जब मैं आखिरी घंटे गुजार रहा हूँ यहाँ पर तो मुझे ना अफसोस सा हो रहा है। थैंक यू सो मच द हस्पताल इतने प्यार के लिए, इतना कुछ सिखाने के लिए, इतनी इज्जत देने के लिए। जब भी मैं बाहर जाता था और कोई मुझसे मिलता था तो पहले हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता था कि उन्होंने व्लॉग्स देखे होते थे या वैसे जानते थे। एक दफ़ा मुझे पिछले महीने मुझे पहला बंदा मिला था ज़िंदगी में जो मेरा एक मरीज रह चुका था फ्लोर पर, और वो जब मुझे मिला तो उसने मुझे हमजा अमीन एज अ व्लॉगर नहीं कहा, उसने मुझे डॉक्टर साहब करके बुलाया था दुकान में। वो मेरा एक मरीज़ था जिसको मैं एक हफ्ते से देख रहा था, तो इससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इंशाल्लाह आई कैन वेट टू सी व्हाट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ brings. All right, time to head home. Allah Hafiz. Thank you guys for watching. I'll catch you guys in the next video. I am officially Dr. Hamza Amin. Badi khushi hai, bada sukoon hai, aur I think we have a graduation trip planned agle vlog mein. So stay tuned, subscribe. Allah Hafiz. Roop tera mastana pyar mera.